G20 को लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारी है, किस तरीके से दिल्ली को सजाया जाएगा, बताने के लिए मेरे साथ में दिल्ली सरकार मंत्री गोपाल राय जी हैं। गोपाल राय जी, G20 को लेकर किस तरह की तैयारी आपके गृह मंत्रालय में? देखिए, पूरे दिल्ली के अंदर सभी लोग मिल करके G20 की तैयारियां कर रहे हैं। अलग अलग विभागों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, जो उसकी युद्ध स्तर पर तैयारी में लगे हैं। दिल्ली के अंदर वन विभाग इस G20 के लिए जो है दो तरह की तैयारियां जो है कर रहा है। एक तो दिल्ली के ग्रीन बेल्ट बढ़ाने के लिए लगभग हमने जो है दिल्ली में 36 लाख जो है वो पौधे लगाने का जो हमारा लक्ष्य था वो समर एक्शन प्लान के तहत पूरा कर लिया। साथ ही साथ इस दौरान दिल्ली को सजाने के लिए फिर 2.5 लाख गमले वन विभाग की तरफ से, जिसमें पत्तियों वाले गमले हैं और फूल वाले गमले हैं, उनको दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर, मार्गों पर, जो कॉन्फ्रेंस जो पॉइंट्स हैं उन पर जो है वो लगाने का काम चल रहा है। सर, ये जो आपने बताया 2.5 लाख पौधे गमले हैं, इनमें क्या सारे दिल्ली में पैदा हुए हैं, या क्योंकि विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं तो कोई बाहर की ऐसी वैरायटी हो या दिल्ली से बाहर से मंगाए हो, थोड़ा उसके बारे में बताएं। दोनों तरह के हैं। दिल्ली के नर्सरीज में भी पौधे पहले से जो है वो उगाए गए हैं, और कुछ पौधे ऐसे भी हैं कि जो उनको जो है वो बाहर से मंगाया जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल सर, कांग्रेस के साथ में आपका गठबंधन अभी तो है ही, क्योंकि अलायंस के पार्ट हैं आप, लेकिन उनका एक पोस्टर है, पोस्टर में सभी दलों के नेता का फोटो है लेकिन अरविंद केजरीवाल का नहीं है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? नहीं, इस तरह के देखो कोई आधिकारिक पोस्टर तो जारी नहीं हुआ है, तो अभी मुंबई की बैठक हो रही है और मुंबई की बैठक में हम लोग शामिल हो रहे हैं। आप शामिल हो रहे हैं तो बिल्कुल, अगर देखें तो G20 को लेकर दिल्ली सरकार की अलग से तैयारी है, जो वन मंत्रालय है वो 2.5 लाख ऐसे गमले पौधे लगा रहा है कि जो दिल्ली की सड़कों की शोभा बनाएंगे, यानी कि जब विदेशी मेहमान जब दिल्ली में आएंगे तो उनको दिल्ली की जो सड़कें हैं वो बेहद खूबसूरत नजर आएगी, और इसी को लेकर के दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि कहीं पर कोई कसर बाकी ना रहे। अपने सहयोगी अमित के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने भारतवर्ष दिल्ली।